अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आया हूँ कलियर शरीफ जो कि उत्तराखंड रुड़की में है। और काफ़ी देर से मैंने इरादा किया था लेकिन कभी आ नहीं पाया। जिसको साबिर पाक बुलाते हैं उसी का बुलावा होता है। खुशकिस्मत हूँ कि आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और उम्मीद है कि जो तंगियाँ जो परेशानियाँ मेरे घर पे हैं वो साबिर पाक जो है वो ज़रूर दूर करेंगे। और दोस्तों ये हम आगे बड़े गेट से, एक छोटा गेट है एक बड़ा गेट, और जैसे ही हम एंटर होंगे सबसे पहले साबिर पाक ने जहाँ पे 12 साल खड़े होके इबादत की वो गुनर का पेड़ है। और ये बस हम वहीं पे पहुँच रहे हैं और ये आ गया वो गुनर का पेड़। और साथ ही साथ इसके नीचे दिया जलाया जाता है और जो लोग पानी और तेल मतलब एक तरह से इस पेड़ के नीचे रखते हैं तो शफा हो जाती है। बहुत से लोग जो हैं यहाँ से गुलाब के फूल और दिए का तेल जो है लगाते हैं अपने आप को और घर भी लेके जाते हैं। अगरबत्ती की राख जो है वो भी तबरुक के तौर पे लेके जाते हैं। और ये हमारे बाबा हैं यहाँ पे जो सबको दिए का तेल और ये सब कुछ देते हैं। मैं आपको बताऊं कि अकीदे की बात है, अकीदे के साथ जो भी यहाँ पे आता है वो झोलियाँ भर के लेके जाता है। और दोस्तों ये है साबिर पाक की ज़ियारत। और ये वो जाली है जहाँ पे जिसको भी कोई, जिसको कहते हैं कोई जिन्नात या कोई जादू किसी ने किया हो तो एकदम से पकड़ होती है और उस पर अल्लाह का कर्म हो जाता है। ये जाली बहुत से लोग इस वक्त जो हैं वो पकड़ में हैं भी, लेकिन ज़ियारत बहुत सख्त है जिसकी वजह से मैं हर चीज़ दिखाने में भी डर लगता है। चलिए दोस्तों अभी गेट बंद है और जब खुला तो मैं ज़ियारत करूँगा और इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ मांगूँगा, अपनों के लिए आपके लिए सबके लिए दुआ मांगूँगा। और चलिए मैं अभी इजाज़त लेता हूँ क्योंकि ज़ियारत में करवा देता लेकिन अंदर जो है वो मोबाइल जो है वो अलाउ नहीं है। तो चलिए खुदा हाफिज़।